हाय वेलकम कोड फॉर न्यू वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द लीड कोड क्वेश्चन सीरीज। और यहां पे हम अटेम्प्ट करने वाले हैं टू सम का सेकंड क्वेश्चन, जहां पर आपका इनपुट एरे जो है वो सॉर्टेड है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था अगर आपको ध्यान हो तो। ये टू सम यहां पे क्वेश्चन है, लीड कोड का सबसे पहला ही क्वेश्चन है, ये हमने अटेम्प्ट किया था। बट यहां पे एक चीज थी, यहां पे जो एरे था वो सॉर्टेड नहीं था। फर्स्ट एग्जांपल में एरे यहां पे सॉर्टेड है, बट अगर आप यहां पे सेकंड एग्जांपल देखोगे तो यहां पे जो आपका एरे है वो यहां पे सॉर्टेड नहीं है। बट यहाँ पे जो टू सम का सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा जो इनपुट एरे है वो सॉर्टेड है। और करना हमें वही है कि आपको यहाँ पे दो इंडेसेस रिटर्न करने हैं एरे के, जिनके जिन एलिमेंट्स का सम यहाँ पे आपके टारगेट के इक्वल है। जैसे आप यहाँ पे अगर देखोगे 2 + 7 यहाँ पे आपके टारगेट के इक्वल है, जो कि यहाँ पे 9 है, तो आपको 2 और 7 के इंडेसेस यहाँ पे रिटर्न करने है, मतलब आपके एरे के इंडेक्स को रिटर्न करना है जहां पर ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये वाले एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे आपने लिखा है 1 और 2। यहाँ पे अगर आप आओ 2, 3, 2, 3, 4, ठीक है, तो 2 और 4 ये आपका इक्वल्स होता है 6 के। 2 है आपका यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, 4 है आपका यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पे आपने रिटर्न किया है 1, 3। यहाँ पर है -1, 0। अब किसी भी नंबर में आप अगर 0 ऐड करते हो तो वही नंबर आता है, तो यहाँ पे ये दोनों नंबर मिला के -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रिटर्न किया है 1, 2, दोनों इंडेक्सेस यहाँ पे आपने रिटर्न किए हैं। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है वही यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो ये यही क्वेश्चन है। आप अगर यहाँ पे एक चीज देखोगे कि हमने जब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन किया था तो हमने यहाँ पे 2-3 अप्रोच यहाँ पे डिस्कस की थी। पहली जो अप्रोच थी वो यहाँ पे आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच थी, जहां पर हमने क्या किया था, 2 यहाँ पे लूप लगाए थे और लूप में हमने यहाँ पे चेक किया था अगर दोनों नंबर्स का जो सम है वो यहाँ पे आपके टारगेट के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे उन दोनों नंबर्स के जो इंडेक्सेस हैं उनको यहाँ पे रिटर्न कर दिया था। यह हमारी यहाँ पे पहली अप्रोच थी। दूसरी जो हमारी यहाँ पे अप्रोच थी वो यहाँ पे हमारी हैश मैप के साथ थी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हैश मैप हमने यहाँ पे बनाया एक, और अगर हमारा एलिमेंट जो हमारे यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे टारगेट में से माइनस करके वो नंबर हमने यहाँ पे पुश किया था। ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं ये आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने टू सम में किए थे ये चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है वो ब्रूट फोर्स का कॉन्सेप्ट है। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या था, सपोज आपके पास यहाँ पे नंबर है 2, 7, 11 और 15, आपके पास यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दो आप यहाँ पे फोर लूप लगाओगे। पहला i जो होगा आपका वो यहाँ से स्टार्ट होगा और जो j होगा वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे चेक करोगे इज एलिमेंट एट i एंड एलिमेंट एट j, क्या इनका सम जो है वो टारगेट के इक्वल है, जो कि यहाँ पे 9 है, तो बिल्कुल यहाँ पे टारगेट के इक्वल है, तो आप यहाँ पे उसको रिटर्न कर दोगे। सपोज यहाँ पे कुछ और नंबर होता, सपोज यहाँ पे जो टारगेट है वो यहाँ पे इस केस में 9 नहीं है, वो सपोज यहाँ पे है आपका 22, तो 22 आप यहाँ पे सबसे पहले चेक करोगे क्या 2 + 7 आपका 22 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आप यहाँ पे जे को इंक्रीमेंट करोगे। 2 + 11 आपका 22 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, जे आपका यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट होगा। 2 + 15 आपका 22 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका जे यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। उस केस में आप यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट करोगे, आई आपका इस केस में यहाँ पे आ जाएगा और जे आपका शुरू होगा i+1 से, तो यहाँ से आपका जे शुरू होगा। क्या i+j 7 + 11 आपका 22 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या 7 + 15 आपका 22 के इक्वल है, बिल्कुल है, तो इस केस में आप जो आई और जे के जो इंडेक्सेस होंगे उस केस में आप उनको रिटर्न कर दोगे। तो बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये अगर मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिखाऊँ, ये हमारे पास यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होता है, आप यहाँ पे दो लूप लगाओगे। पहला जो लूप होगा वो आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा i = 0 से, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका नंबर्स डॉट लेंथ -1 तक। आपको इसको -1 तक लेकर जाना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो j है वो आपका लेंथ तक जाएगा, बट ये वाला आपका जाना चाहिए -1 तक, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका जो j है वो आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा i+1 से, और जो आपका j है वो लेस देन यहाँ पे होना चाहिए नंबर्स डॉट लेंथ, ठीक है, ये आपका बिल्कुल एंड तक जाएगा। ये मैं आपको बता दूंगा कि मैंने यहाँ पे -1 क्यों लिखा है ऊपर वाले केस में, और यहाँ पे मैं इसको वहां तक क्यों लेके जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दूँ। इसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे कि अगर आपका जो एरे है उसमें ith पोजिशन पे जो एलिमेंट है और आपका जो एरे है उसमें jth पोजिशन पे जो एलिमेंट है, क्या वो आपके टारगेट के इक्वल है, ठीक है। अगर वो आपके टारगेट के इक्वल है तो यहाँ पर आपको रिटर्न करना है आपके एरे के इंडेसेस। बट आप अगर यहाँ पे देखो तो आपने यहाँ पे 1 और 2 रिटर्न किया है, जो कि आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज है, मतलब ये आपके एरे के अंदर एनक्लोज है। तो यहाँ पे आपको लिखना है i और j,
लेकिन जो आपका आई है वो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है और जे आपका आई प्लस वन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जे भी आपका यहाँ पे एक तरह से जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आई आपका यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है बट हमारा यहाँ पे जो एरे का फर्स्ट इंडेक्स है वो यहाँ पे आउटपुट में हमें वो वन से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे आई प्लस वन करना पड़ेगा कि आई हमारा यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये लिखा एंड अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। एक काम यहाँ पे और कर लेते हैं, आपको यहाँ पे बाहर भी रिटर्न स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी। अगर ये यहाँ पे इफ के अंदर गया ही नहीं तो यहाँ पे एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है जो कि यहाँ पे एम्प्टी एरे है ऑफ इंट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ये लिखोगे तो इससे हो जाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो ये बिल्कुल मस्त चलेगा, चला के देख लेते हैं। यहाँ पे शायद सेमी कोलन भूल गया मैं, या तो नाइस, फिर से रन किया इसको मैंने। ये बोल रहा है एरे डायमेंशन मिसिंग, जब भी आप यहाँ पे एक 1D एरे बनाते हो तो यहाँ पे आपको उसकी डायमेंशन डालनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे डाला है सपोज जीरो। ठीक है, जावा में यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप 1D एरे बनाओ तो उसकी डायमेंशन आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। आप यहाँ पे देखो ये बिल्कुल यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है बट जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बहुत खराब आएगी क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और आप यहाँ पे देखो बीट्स ओनली 5.1%, टाइम इसने बहुत ज्यादा लिया है जो कि है 443 मिली सेकेंड्स। तो सॉल्यूशन जो है वो ठीक नहीं है, मतलब ये यहाँ पे एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है जिसमें यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी एन स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट में क्या है, सेकेंड कॉन्सेप्ट में आप यहाँ पे एक हैश मैप बना रहे हो और हैश मैप के अंदर आप अपने एलिमेंट्स को पुश करोगे। अब जो हैश मैप होता है उसमें दो वैल्यू चलती हैं, एक तो होता है आपकी की और दूसरी होती है आपकी यहाँ पे वैल्यू। तो आपने यहाँ पे एक सिंपल एक मैप बना लिया। ठीक है, और न्यू सपोज मैंने यहाँ पे लिखा आपका हैश मैप और इंटीजर इंटीजर जो कि हमने वहां वहां पे भी लिया था और यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे अपने जो एक एक एलिमेंट है उसको यहाँ पे निकालना है, तो मैंने यहाँ पे वही किया। मैंने यहाँ पे सिंपल एक फॉर लूप चलाया और नंबर्स डॉट लेंथ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपको अगर यहाँ वाला कॉन्सेप्ट में अगर समझाऊ तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 2, 5, 7, 11। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे 2, 5, 7 एंड 11 ये हमारे पास यहाँ पे वो है, वो जो टारगेट है सपोज अपना वो है यहाँ पे 9। यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ वो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ कि जो मेरे को एलिमेंट चाहिए, जैसे सपोज ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, मेरे पास यहाँ पे सपोज 2 है। ठीक है, तो 2 और 9 में जो डिफरेंस है वो 7 का है, तो अगर मेरे को 9 टारगेट रीच करना है तो मेरे को 2 के साथ 7 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7, मैं यहाँ पे 7 को इस मैप के अंदर पुश कराऊंगा। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है और मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 के साथ मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि 2 और 9 में कितना डिफरेंस है, मेरे को कौन सा एलिमेंट चाहिए कि मेरा यहाँ पे जो टारगेट है वो यहाँ पे 9 आ जाए। तो 9 माइनस 2 मैंने यहाँ पे किया, 7 निकल के आया, 7 को मैंने पुश कर दिया मैप के अंदर। अब मैं यहाँ पे मैप के अंदर ढूंढूंगा कि क्या 7 मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो 7 को मैंने यहाँ पे मैप के अंदर पुश कर दिया, नेक्स्ट एलिमेंट पे आया मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि क्या मैप के अंदर जो मेरे को एलिमेंट चाहिए क्या वो पड़ा हुआ है, क्या ये 7 है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ये 5 है, 5 और 9 में कितना डिफरेंस है, 5 और 9 में आपका 4 का डिफरेंस है। तो ये एक नया एलिमेंट है, तो इसको मैं यहाँ पे मैप के अंदर पुश करा दूंगा कि मेरे को अब यहाँ पे आपका 7 भी ढूंढना है और मेरे को अब यहाँ पे 4 भी ढूंढना है। मेरे को 7 मिल जाएगा तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, मेरे को 4 मिल जाएगा तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पे आया मैं, मेरे को यहाँ पे 7 मिल गया, 7 का इंडेक्स मेरे को पता है। ठीक है, और 7 मेरे को यहाँ पे मैप में चाहिए था क्योंकि मैप में मेरे पास यहाँ पे 7 है। तो जैसे ही ये 7 यहाँ पे मिलेगा तो 2 और 7 मिलके यहाँ पे मेरे टारगेट के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, अगर किसी को बाय चांस क्लियर नहीं हुआ तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे कंटेन्स की फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जो एलिमेंट पुश करूंगा वो यहाँ पे मैं एज अ क्या बोलते हैं उसको, एज अ की मैं यहाँ पे पुश करने वाला पा रहा हूँ उसको। और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ अगर नंबर्स का आईथ पोजिशन का जो एलिमेंट है क्या वो मेरे मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता बाय चांस, ठीक है, अगर नहीं करता तो मैं मैप के अंदर पुश करूंगा वो एलिमेंट। ठीक है, वो एलिमेंट जो मेरे जो मेरे को चाहिए। ठीक है, टारगेट माइनस नंबर्स का आई, इसको मैंने पुश कर दिया उसके अंदर।
है, लेकिन मैप के अंदर जब आप यहाँ पे किसी भी एक एलिमेंट को पुश करते हो तो आप की वैल्यू पेयर के साथ करते हो। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू तो पुश कर दिया, मेरे को यहाँ पे की भी पुश करनी है। मैं यहाँ पे आप अगर देखो तो मैं यहाँ पे इंडेक्स को पुश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इंडेक्स को पुश किया, तो जब मैं एलिमेंट को गेट करूंगा मेरे पास उसका इंडेक्स भी होगा। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस इंडेक्स को हम यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं। जैसे न्यू एंड मैंने यहाँ पे सपोज किया, तो जो एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे है मैप डॉट गेट, तो उसको मैं यहाँ पे फेच कर सकता हूँ, ठीक है। और नंबर्स के आयत पोजिशन पे उस नंबर को मैंने यहाँ पे फेच किया, प्लस मैं यहाँ पे जो मेरा करंट इंडेक्स है उसको मैं यहाँ पे फेच कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, मेरे को यहाँ पे i+1 करना पड़ेगा, उसी वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि आपको यहाँ पे i+1 करना पड़ेगा वरना ये काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे वापस आके आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा न्यू एंड, और उसके अंदर यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा 0, ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमने बिल्कुल सिंपल वही किया है कि टारगेट को, टारगेट में से जो नंबर हमें यहाँ पे चाहिए उस नंबर को हमने मैप में पुट किया, और एरे को लूप करते हुए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या वो नंबर एग्जिस्ट करता है मैप के अंदर या नहीं करता। आप यहाँ पे देखो, ये उसने लिए थे 443 मिलीसेकंड्स, इसने लिए हैं 5 मिलीसेकंड्स, और बीट्स ओनली 17.82%। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट था। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है, इजी है और सबसे मस्त है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। नाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मेरे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आप अगर यहाँ पे देखो तो 2711 15 है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे एरे है सपोज, जो कि है 2711 एंड 15, ठीक है। टारगेट जो है मेरा वो यहाँ पे 9 है, तो मैं यहाँ पे दो एलिमेंट्स लूंगा, एक मैं यहाँ पे लूंगा लेफ्ट, ये मेरा यहाँ पे लेफ्ट होगा और ये मेरा यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा कि क्या लेफ्ट और राइट का सम क्या है, ठीक है। जैसे 2+15 है, क्या 2+15 मेरा डबल इक्वल्स टू 9 है? बिल्कुल भी नहीं है। 2+15 क्या मेरा ग्रेटर देन 9 है? 2+15 आपका 17 होता है, जो कि आपका ग्रेटर देन 9 है, बिल्कुल ग्रेटर देन 9 है। तो अगर आपका जो सम है वो ग्रेटर देन 9 है, तो मेरे को क्या करना है, राइट को माइनस माइनस कर देना है। इस केस में राइट को मेरे को कम कर देना है, ठीक है। तो राइट आपका यहाँ पे आ जाएगा इस केस में। उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि क्या 2+11 मेरे 9 के इक्वल है, क्या 2+11 मेरे 9 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे यहाँ पे ग्रेटर देन 9 है। तो उस केस में यहाँ पे मैं फिर से राइट को माइनस माइनस करूंगा, ठीक है। राइट को माइनस माइनस किया मैंने, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या 2+7 मेरा डबल इक्वल्स टू 9 है, बिल्कुल है, तो मैं उस केस में इसको रिटर्न कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। दूसरा एक और वो देखते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने लिया 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, और 12। टारगेट जो है मेरा वो यहाँ पे इस केस में है सपोज क्या ले 18 ले लेते हैं, ठीक है। टारगेट सपोज मेरा 18 है, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या 2+12, क्या 2 और 12 यहाँ पे, ये लेफ्ट है मेरा और ये मेरा यहाँ पे राइट है, और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या 2 और 12 मेरा 18 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है, 18 से छोटा है, ये 14 आएगा। तो उस केस में अगर ये छोटा है टारगेट से, तो मेरे को लेफ्ट को आगे बढ़ाना है। क्या क्या 4 और 12 18 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है, उस केस में मेरे को इसको आगे बढ़ाना है। क्या 6 और 12 18 के इक्वल है? बिल्कुल है, तो मेरे को यहाँ पे 6 का इंडेक्स और 12 के इंडेक्स को यहाँ पे रिटर्न करना है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। एक एक चीज मेरे को और बतानी थी यहाँ पे। पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ये यहाँ पे हमारा लेफ्ट था, ये यहाँ पे हमारा राइट था, टारगेट था हमारा यहाँ पे 9। क्या 2+7 यहाँ पे मैं चेक, यहाँ पे मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था वही मेरा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मेरा यहाँ पे जो लेफ्ट है प्लस जो राइट है, अगर वो ग्रेटर देन है मेरे टारगेट से, तो मैं यहाँ पे इस केस में राइट को माइनस माइनस करूंगा, ठीक है। अगर मेरा लेफ्ट प्लस राइट लेस देन है टारगेट से, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट को प्लस करूंगा, जो मेरे स्मॉलर वैल्यू है उसको बढ़ाऊंगा मैं, ताकि ये टारगेट के इक्वल आ जाए। अगर मेरा लेफ्ट प्लस राइट डबल इक्वल्स टू टारगेट है, उस केस में मैं अपना जो इंडेक्स है उसको यहाँ पे रिटर्न करूंगा। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पे इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे
दो वैल्यूज चाहिए। मैंने यहाँ पे लिया इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू जीरो, सबसे लेफ्ट मतलब यहाँ पे एरे का पहला इंडेक्स, और राइट इज इक्वल्स टू एरे का लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स यहाँ पे एरे मेरा यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो लास्ट इंडेक्स है वो मेरा कहाँ तक जाएगा, वो मेरा जाएगा यहाँ पे डॉट लेंथ माइनस वन तक, ठीक है, डॉट लेंथ माइनस वन। और मैं यहाँ पे चेक करूंगा वाइल, जब तक मेरा जो लेफ्ट है वो छोटा है मेरे राइट से, तब तक मेरे को यहाँ पे इनफाइनाइट वाइल लूप चलाना है। इनफाइनाइट तो नहीं है, मतलब यहाँ पे इस कंडीशन पे ब्रेक होगा, लेकिन जब तक ये कंडीशन मीट नहीं होगी तब तक मेरा यहाँ पे जो लूप है चलता रहेगा। मेरे को यहाँ पे सम निकालना है, सम मेरे को यहाँ पे किसका निकालना है, जो नंबर्स है लेफ्ट पे और जो नंबर्स है एट पोजिशन राइट, ठीक है, इन दोनों का मेरे को यहाँ पे सम निकालना है। और मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि अगर जो मेरा सम है वो ग्रेटर देन है टारगेट से, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे लगेगी, ठीक है, उस केस में यहाँ पे क्या करना है, राइट को यहाँ पे माइनस माइनस कर देना है। एल्स इफ अगर मेरा जो सम है वो लेस देन है यहाँ पे टारगेट से, उस केस में यहाँ पे क्या क्या करना है, राइट, सेकेंड कंडीशन है यहाँ पे, लेफ्ट को मेरे को यहाँ पे प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। एल्स अगर यहाँ पे दोनों इक्वल हैं तो उस केस में इंडेसेस मेरे पास होंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट को मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, राइट को मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, लेफ्ट को मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, मतलब अगर मेरा लेफ्ट सपोज यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है तो लेफ्ट मेरा यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, लेफ्ट अगर यहाँ पे फर्स्ट पर था तो अब सेकंड पर आ चुका है, तो लेफ्ट मेरे पास यहाँ पर है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है ग्लोबली। ऐसे ही राइट की वैल्यू भी मेरे पास है, तो यहाँ पर आप सीधा ब्रेक कर सकते हो उसको, और ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे जो न्यू एंट है इसको आप यहाँ पे सिंपल रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट प्लस वन करना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पे करते भी आए हैं, और यहाँ पे आपको राइट प्लस वन करना पड़ेगा, और इसको आप यहाँ पे रन कर सकते हो सिंपल। तो होप सो ये सबसे फास्टेस्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट आपको यहाँ पे हो चुका है, और चला के अगर आपको यहाँ पे दिखाओ सबमिट किया है मैंने इसको, तो ये आपका सबसे फास्टेस्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो टाइम टेकन इज 1 मिलीसेकंड्स और बीट्स 98.92%, ऑलमोस्ट 99% को इसने बीट कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो कि एरे आपका यहाँ पे सॉर्टेड है, हमें एक चीज सिखाई जाती है कि जब भी एरे आपको सॉर्टेड मिले तो हमेशा जाओ बाइनरी सर्च की तरफ, ठीक है। तो आप यहाँ पे बाइनरी सर्च भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हो, मतलब 2, 7, 11, 15 का आप यहाँ पे मेड कैलकुलेट करके इसके साथ खेल सकते हो, तो बाइनरी सर्च भी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। ये वाला जो सॉल्यूशन है यहाँ पे थोड़े से सिंपल है, लेकिन एक क्लिक होता है, क्योंकि हमें ये चीज सिखाई जाती है कि जब भी आपको दिखे कि इनपुट एरे सॉर्टेड हेडिंग में ही लिखा है तो सीधा यहाँ पे लगाओ बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च के थ्रू भी आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन है तो मेरे को बताना, बाकी क्वेश्चंस आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, थैंक यू।